हेलो गाइस, वेलकम बैक। माई सेल्फ एसके अग्रवाल, और आज अपन बात करेंगे स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2019 लाइफ साइंस पेपर सेकंड गुजरात। इससे पहले गुजरात का जो पेपर है लाइफ साइंस का, उसका अपन ने पार्ट फर्स्ट में 50 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, और उसी को आगे बढ़ाते हुए अपन अगले क्वेश्चन जो है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, कोई भी स्टूडेंट जो खासतौर से स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैंने जो सोल्ड पेपर है वो निकाल रखे हैं। और कोई भी स्टूडेंट, काफी स्टूडेंट्स ऐसे भी आते हैं जिनको दोनों मीडियम में चाहिए होता है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो। तो देखो, हिंदी और इंग्लिश में उसमें 8 या 9 पेपर तो हिंदी में है, और बाकी के जो इंग्लिश में है वो मैं डेली करवा रहा हूँ। तो अगर आप बुक लेते हो तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, क्योंकि मोस्टली पेपर मैं सॉल्व करवा दूंगा जो इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम्स आएगी उनको, ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा अपना पर्पज है कि आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो ताकि आपका सेट में सिलेक्शन हो, और सेट में सिलेक्शन होने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में बैठो ताकि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन हो और आप एक अपना जो टारगेट है वो अचीव कर सको। इसी के साथ आज अपन क्लास स्टार्ट करते हैं स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2019 लाइफ साइंस पेपर गुजरात का। इसमें देखो 50 क्वेश्चन तक अपन कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें देखो 50 तक तो अपन बात कर चुके हैं पहले से ही, अभी अपन बात करते हैं 51 में, ठीक है। 51 में देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज विद इंक्रीज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। मतलब कोई भी एंजाइम है, जैसे ये मैं आपको कहूं कि ये एंजाइम है, इसमें इधर तो सबस्ट्रेट बाइंड हो रहा है और इधर इसका इनहिबिटर बाइंड हो रहा है, दोनों की जो साइट है वो एक है, एक्टिव साइट। मतलब एक्टिव साइट के ऊपर सबस्ट्रेट बाइंड होता है और उसी पे इनहिबिटर बाइंड होता है। जैसे जैसे इनहिबिटर बढ़ाते हो आप, तो सबस्ट्रेट की एफिनिटी कम होती जाएगी। जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ाते हो तो इनहिबिटर की एफिनिटी कम होती जाएगी। इसका मतलब ये दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं। कॉम्पिटिटर का मतलब हुआ कि दो कोई भी व्यक्ति एक ही चीज के लिए अगर वो कॉम्पिटिशन करते हैं, एक ही चीज के लिए लड़ते हैं, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिशन बोलते हैं, ठीक है ना, प्रतिस्पर्धा। तो यहाँ पर देखा गया है कि कोई भी ऐसी एंजाइम एक्टिविटी जिसके अंदर एंजाइम एक्टिविटी कम होती है जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ती है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिशन। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 52। इसमें दिया गया है मेलेटोनिन इज सिंथेसाइज्ड बाय। देखो, मेलेटोनिन जो है वो सिंथेसिस किसके द्वारा किया जाता है, तो खास तौर से जो पीनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड की जो सेल्स है, पीनियलोसाइट्स के द्वारा मेलेटोनिन को सिक्रेट किया जाता है, ठीक है ना। तो किसकी है, पीनियल ग्लैंड की है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा पीनियल ग्लैंड की पीनियलोसाइट सेल्स, इसका राइट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 53। न्यूरॉन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रीकर्सर सेल इन प्रोन्यूरल रीजन। प्रोन्यूरल रीजन से न्यूरॉन्स का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू रिलेटिवली लो लेवल ऑफ नोच एक्टिविटी। तो यही इसका आंसर होगा कि जो नोच की जो एक्टिविटी है वो जैसे ही कम होगा, नोच एक्टिविटी, पहली बात तो देखो नोच एक्टिविटी का काम क्या है, नोच एक्टिविटी क्या है, सेल प्रोलिफरेशन, सेल का मल्टीप्लिकेशन करना, सेल का डिवीजन करना, सेल की ग्रोथ करना, खासतौर से प्रोलिफरेशन मतलब डिवीजन में इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे क्या है, जब इसका लेवल, नॉच एक्टिविटी का लेवल कम होता है, उस टाइम न्यूरॉन सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा ए ऑप्शन, इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा रिलेटिवली लो लेवल ऑफ नॉच एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इन एन ऑड कॉम्बिनेशन। इनमें से अलग कॉम्बिनेशन कौन सा है, देखो बी वाला देखो, डेस्मोसोम्स मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन कनेक्शन करने वाले डेस्मोसोम्स, प्लाज्मोडेस्मेटा सेल टू सेल कनेक्शन करने वाले प्लाज्मोडेस्मेटा प्लांट्स में पाया जाता है, जिसमें छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक सेल से दूसरे सेल्स में जा सकते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, टाइट जंक्शन सेल टू सेल कनेक्शन, टाइट जंक्शन सेल टू सेल कनेक्शन, गैप जंक्शन सेल टू सेल, गैप जंक्शन सेल टू सेल, प्लाज्मोडेस्मेटा सेल टू सेल। सभी ऐसे ऑप्शन है बी सी डी जिसमें दो सेल जो है वो आपस में ऐसे
जुड़े हुए हैं और आपस में कनेक्शन के रूप में इनमें पाए जाते हैं, लेकिन न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलग है। न्यूक्लियस प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोई दो सेल के बीच का जंक्शन नहीं है, दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी आउटर लेयर है इस सेल की, और सेल उसका न्यूक्लियस जो है उसका एक ऑर्गेनल है। इसका राइट आंसर जो आ जाएगा ए। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा भिन्न है, तो भिन्न कौन सा है, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सभी कैसे हैं, सेल टू सेल कनेक्शन करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, देखो 55 के अंदर देखिए अपन, नोर एड्रेजेनिक, ठीक है, नोर एंड्रोजेनिक और डोपा एंड्रोजेनिक न्यूरॉन मस्ट एक्सप्रेस, ये क्या एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, तो ये क्या एक्सप्रेस करेंगे, खासतौर से देखो डोपामाइंस का सिंथेसिस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, डोपामाइंस का जो प्रीकर्सर्स है खासतौर से टायरोसिन जो है अमीनो एसिड है, एरोमेटिक अमीनो एसिड है, तो ये जो टायरोसिन है, टायरोसिन ये किसमें कन्वर्ट होता है, जो कैट कॉल एमाइन जो है, कैट कॉल एमाइन है, या फिर उसे अपन डोपामाइन कहें तो डोपामाइन में कन्वर्ट होता है, किसकी प्रेजेंस में, तो यहां पर अपन कहें प्रेजेंस ऑफ टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में टायरोसिन कन्वर्ट इनटू कॉल कीट एमाइन, कॉल कीटो एमाइन, या फिर अपन कहें डोपामाइन के अंदर, तो यहां पर ही दिया गया है न्यूरॉन्स मस्ट एक्सप्रेस, तो वो क्या एक्सप्रेस करते हैं, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज है वो हमेशा एक्सप्रेस करते हैं ताकि वो डोपामाइन का सिंथेसिस कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, इन ए सेल प्राइमरी रीजन फॉर द ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल, किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अपन न्यूरॉन्स पढ़ते हैं, न्यूरॉन्स में एक्शन पोटेंशियल पढ़ते हैं कि कोई भी मेम्ब्रेन है इसमें सिग्नल्स जो है एक साइड से दूसरे साइड में जाते हैं, तो वो सिग्नल्स जाने का कारण क्या है, आयंस का इनग्रेडियंट, आयंस का ग्रेडियंट, मतलब सेल के बाहर की तरफ पॉजिटिव आयन है, ये पोलराइजेशन है, और अंदर की तरफ नेगेटिव आयन है, ये कंडीशन जो होती है प्लाज्मा में कैसी होती है, पोलराइज्ड, लेकिन जब सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है तो डीपोलराइज हो जाती है मेम्ब्रेन, आयन एक्सचेंज हो जाते हैं, मतलब बाहर की तरफ तो नेगेटिव और अंदर की तरफ पॉजिटिव हो जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन होगा तो सूचनाएं हैं एक जगह से आगे की तरफ जाती है इस प्रकार से। तो ये जो कंडीशन है, इन सेल प्राइमरी रीजन फॉर द ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल किसके कारण से होती है, तो वो हमेशा होते हैं आयंस के कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण, मेम्ब्रेन के आउट और इनर साइड में। ऑप्शन देखो, इसमें सेल्स आर न्यूक्लिएटेड, डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है, डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, आयंस का डिफरेंशियल अलग अलग, अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव, डीपोलराइजेशन होगा तो बाहर तो नेगेटिव आ जाएंगे अंदर की तरफ पॉजिटिव आ जाएंगे, तो ये इसका राइट आंसर होगा, बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, फिफ्टी सेवन में देखो, देखो ओस्मोसिस पहले बात तो है क्या, ओस्मोसिस क्या होता है कि कोई भी वाटर का मॉलिक्यूल या वाटर की कंसंट्रेशन अपनी हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट करते हैं बाय क्रॉस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जब कोई भी वाटर का मॉलिक्यूल पैसिवली किसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करते हैं, जैसे मान लो ये कंडीशन है, ठीक है, या फिर इसको भी ना बनाकर अपन, मैं ये कहूँ कि चलो इसको थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, ये एक कंपार्टमेंट है बीच में, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना रखी है अपन ने, ठीक है ना, और दूसरी अपन ये कहें कि इसमें आयंस की मात्रा क्या है, आयन कम है, इधर की तरफ अपन क्या करते हैं आयंस ज्यादा है, आयंस ज्यादा है इसका मतलब यहां पर वाटर जो है वो क्या है, कम है, इधर अपन देखें वाटर क्या है, ज्यादा है, तो वाटर कहां पे जाएगा, अपनी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की ओर जाएगा, और जहां आयन कम होते हैं उसे क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक, ठीक है, ये कंडीशन कैसी है, हाइपोटोनिक, और जहां पर आयन के कंसंट्रेशन ज्यादा है उसे बोलते हैं हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, इसका मतलब वाटर का मॉलिक्यूल या फिर सॉल्वेंट, किसी भी चीज को डिजोल्व करने वाला सॉल्वेंट कहां पे जाता है, अपनी हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, इसका मतलब अपन कह सकते हैं
सॉल्वेंट मूव करता है अपनी हाइपरटोनिक, हाई मतलब जो हाइपो टॉनिक से हाइपरटोनिक की ओर मूवमेंट करता है। इसमें ऑप्शन देखो, सॉल्वेंट मूव फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक, तो इसका ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। देखो इसमें पहले भी दे रखा, मैंने जो बताया वही थ्योरी दे रखी है, सॉल्वेंट मूव फ्रॉम, सॉल्वेंट मूव फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक, ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर होगा। 58 में अपन देखें, देखो फायरफ्लाइज, इसको फायरफ्लाइज जो है वो FLIES कर लेना भाई, ये फायरफ्लाइज है, मतलब ऐसी कोई भी मक्खियां या फ्लाइज या जुगनू जो खास तौर से लाइट को इमिट करते हैं उड़ते टाइम पे, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, फायरफ्लाइज फेस लाइट, फ्लैश लाइट आर सिग्नल, कि जो जुगनू उड़ते हैं उस टाइम पे बायोल्यूमिनेसेंस की कैपेसिटी पाई जाती है। बायोल्यूमिनेसेंस इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म इमिट लाइट्स, लाइट को इमिट करते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस की कैपेसिटी पाई जाती है जुगनू के अंदर, ठीक है ना, जो जुगनू उड़ता है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसमें कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है, बायोल्यूमिनेसेंस की, बायोल्यूमिनेसेंस के कारण से उसमें लाइट इमिट होती है। यहाँ पर पूछा गया है कि फायरफ्लाई जो लाइट इमिट करने वाले जुगनू है फ्लैश लाइट को छोड़ते हैं रात को, उसका क्या मतलब है, सिग्नल क्या दे रहा है वो, इसका मतलब वो क्या करता है, जब फ्लाइट करता है और फ्लाइट के टाइम पे अपना बैक वाला जो एब्डोमेन वाला पार्ट है वहां बायोल्यूमिनेसेंस के कारण से, जैसे अपन बात करें यहाँ पर, यहाँ पे जो रीजन है ये क्या करते हैं, लाइट इमिट करते हैं, ठीक है, लाइट इमिट करते हैं। ये लाइट इमिट क्यों करते हैं, क्योंकि ये उस टाइम पे क्या करते हैं, फीमेल को सर्च करते हैं, फीमेल को सर्च किस लिए करते हैं, फॉर मेटिंग, इसलिए फीमेल की तलाश में ये लाइट इमिट करते हैं, और इस उम्मीद से करते हैं कि जैसे लाइट को अगर वो देखेगी फीमेल तो वो उनको रेस्पॉन्स या रिप्लाई देगी। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये खास तौर से लाइट इमिट करते हैं फॉर मेटिंग और सर्चिंग ऑफ फीमेल। यहाँ पर ऑप्शन में देखो, फॉर मेटिंग, पहला ही ऑप्शन डायरेक्ट दिया गया है, ये इसका राइट आंसर होगा, फॉर मेटिंग के लिए वो फ्लाइंग मतलब उड़ते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉल अंडर पोस्ट मेटिंग आइसोलेशन मैकेनिज्म। देखो एक तो ये होती है प्री आइसोलेशन, प्री जाइगोटिक आइसोलेशन, कि जब मेल और फीमेल गेमिट जो फ्यूजन होता है उस टाइम पे प्रॉपर रूप से फ्यूजन ना हो तो जाइगोट बनेगा ही नहीं, इसलिए वो क्या आइसोलेशन ही है प्रॉपर रूप से, ठीक है ना, वो मैकेनिज्म भी है। एक कंडीशन ऐसी आती है कि अगर कोई भी दो ऑर्गेनिज्म के बीच में, मेल और फीमेल के बीच में मेटिंग हुई है और मेटिंग के दौरान अगर जायगोट बन गया है तो वो जायगोट आगे जाकर डिवाइड ना हो, तो यहाँ पर दिया गया है पोस्ट मेटिंग, मेटिंग होने के बाद में आइसोलेटिंग मैकेनिज्म, क्योंकि उनमें आइसोलेट रहे, गेमिट फ्यूज ना हो, तो यहाँ पर इसमें ऑप्शन दिया गया है गेमिट इनकॉम्पेटिबिलिटी, एक स्पीसीज का गेमिट दूसरी स्पीसीज को गेमिट को फर्टिलाइज नहीं कर सकता, इसीलिए होता है कि प्रत्येक गेमिट जो है वो स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, प्रत्येक गेमिट के ऊपर स्पेसिफिक प्रोटीन्स पाई जाती है जो एक प्रोटीन के साथ में दूसरा प्रोटीन एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करती है, पहचानती है, जिसके कारण से स्पेसिफिक गेमिट रिकॉग्नाइज टू ए स्पेसिफिक गेमिट, ठीक है ना, स्पर्म पर्टिकुलर एक एग जो है या ओवम है उसको फर्टिलाइज कर सकता है, ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। लेकिन यहाँ पर दिया गया है पोस्ट मेटिंग, अगर गलती से कोई दो ऑर्गेनिज्म में मेटिंग कर भी लिया तो भी उनके बीच में प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि दोनों के गेमिट एक दूसरे को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, दोनों के बीच में इनकॉम्पेटिबिलिटी पाई जाएगी, ठीक है, इसी इनकॉम्पेटिबिलिटी के कारण से एक दूसरे को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे और जायगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा सी, गेमिट इनकॉम्पेटिबिलिटी, एक दूसरे को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 60 नंबर, यहाँ पर देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला देखो अडेप्टिव इम्यूनिटी, अडेप्टिव इम्यूनिटी का मतलब पहली बात भी है कि कोई वैक्सीन के द्वारा किसी ड्रग्स के द्वारा अपन अपनी इम्यूनिटी को इंड्यूस करते हैं, फोर्सली अपनी इम्यूनिटी को इंड्यूस करते हैं उसे अडेप्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। एक पैसिव इम्यूनिटी, इननेट इम्यूनिटी जो अपनी बॉडी के अंदर नेचुरल रूप से पाई जाती है उसे पैसिव या इननेट इम्यूनिटी कहते हैं, बर्थ के साथ में अगर अपने जीवन के साथ में अगर आती है तो उसे इननेट इम्यूनिटी। अडेप्टिव मतलब बाहर से अपन लेते हैं और अपने इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करते हैं ताकि अपनी बॉडी किसी बाह्य पैथोजन से प्रोटेक्शन कर सके, ठीक है ना। तो यहाँ अडेप्टिव इम्यूनिटी रेस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड बाय इंट्रेक्शन अमोंग द व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स के साथ में क्या करता है, इंट्रेक्शन शो करता है,
ठीक है, मैंने आपको बता दिया कोई भी एंटीजन आपकी बॉडी के अंदर डाला जाता है लाइक एज वैक्सीन, वैक्सीन के द्वारा कोई भी एंटीजन आपकी बॉडी में डाला जाता है, वो जाके अपनी जो WBC है, टी सेल है, उनके साथ जाके बाइंड होता है, टी सेल बी सेल को एक्टिवेट करता है, बी सेल क्या बोलती है, एंटीबॉडी बनाती है। तो ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, सही है, इसमें कुछ इनकरेक्ट पूछा है। एडेप्टिव इम्यून सिस्टम इज कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज नहीं करता भाई, एडेप्टिव इम्यूनिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है कि आपने कोई एंटीजन अपनी बॉडी में डाला, इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन लगाने के बाद में कोई पैथोजन आता है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज थोड़ी करता है, कभी नहीं करता, ठीक है ना। उससे क्या करता है, अपनी एंटीजन आपकी बॉडी में जो डाला गया है अपनी बॉडी उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स देता है, ना कि कॉम्प्रोमाइज कि ठीक है कोई बात नहीं बाहर से कोई प्रोडक्ट आ गया, कोई बैक्टीरिया आ गया, ठीक है पड़ा रहेगा, ये भी ऐसा कभी नहीं करता है। अपनी बॉडी हमेशा जज करती है कि ये जो पार्टिकल अपनी बॉडी में आया है क्या अपनी बॉडी का है या फिर ये कहीं बाहर से आया है, ठीक है, उसको जज करता है, कॉम्प्रोमाइज कभी भी नहीं करता। ऑप्शन देखो बी, एडेप्टिव इम्यून रेस्पॉन्स इज कॉम्प्रोमाइज बाय इंट्रेक्शन अमंग व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड के साथ में कॉम्प्रोमाइज करता, कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, ठीक है। रिजेक्शन पाया जाता है अपनी बॉडी में, ग्राफ्ट रिजेक्शन सिस्टम पाया जाता है कि अपनी बॉडी में कोई भी बाहर से का टिश्यू या कोई भी चीज डालते हैं उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है कि अपनी बॉडी का पार्ट ही नहीं है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो इसका रॉन्ग जो है वो है बी ऑप्शन, ये इसका राइट आंसर होगा क्योंकि गलत सेंटेंस है, कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं किया जाता अपनी बॉडी में। 61 क्वेश्चन में अपन देखें, 61 लाइसोसोमल एंजाइम, लाइसोसोमल एंजाइम में खासतौर से देखो ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो एसिड इन्वायरमेंट में एक्टिव होते हो, ठीक है ना, एसिड इन्वायरमेंट जिसकी पीएच है लाइसोसोम की खासतौर से 4 pH के आसपास में पाई जाती है, वेरी लो पीएच पाई जाती है, एसिडिक पीएच होती है, इसमें ऐसे एंजाइम होते हैं जो एसिडिक के अंदर ही अपना फंक्शन प्ले करते हैं, खासतौर से प्रोटियो एंजाइम्स, मतलब प्रोटीन को डिग्रेड करने वाले एंजाइम्स, प्रोटियो एंजाइम्स। तो प्रोटियो एंजाइम्स जो होते हैं, एग्जाम्पल प्रोटियो एंजाइम्स का देखो, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज नहीं है, एफिमरेज नहीं है, लाइगेज नहीं है, ये जो कैप्सिन जो है कैथेप्सिन, कैथेप्सिन प्रोटियो एंजाइम का एक एग्जाम्पल है, प्रोटियो या प्रोटीएज कह सकते हैं अपन, प्रोटीएज एंजाइम जो प्रोटीन डिग्रेडेशन के लिए काम आता है, बाहर से कोई बैक्टीरिया आता है, कोई पैथोजन आता है लाइसोसोम के साथ, अंदर उसको पैक कर दिया जाता है और लाइसोसोम उसको क्या कर देता है, डिग्रेड कर देता है। तो अपनी बॉडी में इम्यून सिस्टम में अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए भी ये जो एंजाइम है कैथेप्सिन यूज में आता है, प्रोटीन डिग्रेडेशन एज वेल एज प्रोटेक्टिव इम्यून सिस्टम के अंदर, बाहर से आए पैथोजन को लाइसोसोम के द्वारा डिग्रेड किया जाता है, उसमें इन्वॉल्व होता है, प्रोटियोज एंजाइम का एक एग्जांपल है कैथेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, 62 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड ऑफ मोनोलेयर मेम्ब्रेन, मोनोलेयर मेम्ब्रेन देखो सभी सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो सभी कैसे होते हैं, खासतौर से डबल मेम्ब्रेन से कवर होते हैं, उनमें से एग्जांपल अपन देखें, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन, न्यूरोट्रांसमीटर कंटेनिंग वेसिकल्स, वेसिकल्स भी हमेशा डबल मेम्ब्रेन होती है, इस प्रकार से ऐसे होती है, लेकिन जो लाइसोसोम है वो सिंगल लेयर से कवर होती है, ठीक है ना, लाइसोसोम है, एंडोसोम्स है, वेक्यूल है, ये सभी कैसी है, सिंगल मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, 63 व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट व्हेन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग पार्टिकल ऑफ सिमिलर डेंसिटी बट वेरिंग इन साइज, इन्होंने बताया है कि किसी भी मॉलिक्यूल्स की, दो मॉलिक्यूल या अलग अलग चीजें हैं उनकी डेंसिटी तो सेम है लेकिन पार्टिकल की साइज अलग अलग है, और अगर आप उनको सेंट्रीफ्यूज करते हो तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, समझ रहे हो, आपके पास में पार्टिकल्स की साइज अलग अलग है, कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं, कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं, ठीक है ना, लेकिन डेंसिटी इनके सबकी क्या है, सेम है। तो जब किसी भी चीज को आप सेंट्रीफ्यूज करते हो तो वो हमेशा पार्टिकल के साइज के अकॉर्डिंग अरेंज करता है, जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो पहले नीचे की तरफ सेटल होते हैं, यहाँ पे जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो पहले नीचे की तरफ सेट होते हैं, उनसे हल्के जो होते हैं वो यहाँ पर अरेंज होते हैं, उनसे हल्के होते हैं वो यहाँ पर अरेंज होते हैं, सबसे लाइट होते हैं वो सबसे ऊपर होते हैं, इस प्रकार से अरेंज होते हैं। तो ये सेंट्रीफ्यूज का वर्क, अगर ये क्वेश्चन इसमें दिया गया है सिमिलर डेंसिटी बट वेरिंग इन साइज, तो इसका राइट आंसर आएगा कि जो ऑर्गेनिज्म जो पार्टिकल्स होते हैं ये पार्टिकल्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज अरेंज्ड आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, लार्ज साइज के पार्टिकल्स पहले नीचे की तरफ डिपॉजिट होंगे और बाद में हल्के वाले सबसे बाद में। जैसे मान लो किसी भी सेल का आप सेंट्रीफ्यूज करते हो,
कई बार क्वेश्चन पूछा गया है सेट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चर, कई बार पूछा गया है कि आप किसी भी सेल का सेंट्रीफ्यूगेशन करते हो, सेंट्रीफ्यूगेशन करने के दौरान सबसे पहला ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल होगा जो सबसे नीचे की तरफ बॉटम में बैठेगा और सबसे ऊपर कौन सा मिलेगा। तो सबसे नीचे की तरफ तो देखो मिलेगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस सबसे हैवी कंपार्टमेंट है किसी भी सेल का, तो सबसे नीचे की तरफ सेट होगा। सबसे ऊपर की तरफ राइबोसोम्स, राइबोसोम सबसे हल्के होते हैं तो राइबोसोम सबसे ऊपर की तरफ मिलेगी। इसका आंसर देखते हैं अपन 63 का। यहां पे देखो द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द पार्टिकल्स डिपेंड ऑन देयर रिलेटिव डिस्टेंस एज द पार्टिकल प्रेजेंट ऑन द सेंटर। ये कोई डिपेंड नहीं करता कि सेंटर कितनी दूर है कितना नहीं है। सेकंड देखो हैवियर पार्टिकल्स विल मूव मोर रैपिडली अवे फ्रॉम द सेंटर देन द लाइटर, ठीक है ना। ये इसका राइट आंसर होगा कि हैवी जो पार्टिकल्स है वो सेंटर से सबसे पहले नीचे की तरफ सेट होते हैं और हैवी जो लाइट जो है वो सबसे बाद में होते हैं, ये इनका अरेंजमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 64, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज करेक्ट इन टर्म ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिन। यूरिन की कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है, उससे कम किसमें पाई जाती है, उनका ग्रेडियंट अपन देखते हैं। तो सबसे ज्यादा जो है वो कंगारू की जो यूरिन है उसमें पाया जाता है, फिर उसके बाद में कैमल और उससे कम पाया जाता है एलिफेंट। मतलब एलिफेंट के बाद में कंसेंट्रेशन किसकी ज्यादा है, कैमल के अंदर, ऊंट के अंदर, ऊंट से ज्यादा किसमें है कंगारू के अंदर। इसका यूरिन कंसेंट्रेशन के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन एक थोड़ा सा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। कोई भी एक सेल है जिसे क्या माना गया है ए क्यू, जिसके अंदर एक्वापोरिन का चैनल पाया जाता है। एक्वापोरिन चैनल देखो खासतौर से सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है और होता क्या है वाटर को एब्जॉर्प्शन करने के लिए पाया जाता है। एक्वापोरिन के ऊपर क्वेश्चन मैंने काफी बार बता भी दिया है। जो एक्वापोरिन है वो किससे बना होता है, अल्फा हेलिक्स से बना होता है। जबकि पोरिन अगर आपसे पूछा जाए तो पोरिन किससे बना होता है, पोरिन, पोरिन, ठीक है ना। पोरिन ट्रम हमेशा बीटा सीट से बना होता है, बीटा सीट प्रोटीन से बना होता है। और पोरिन कहाँ पाया जाता है, खासतौर से बैक्टीरियल सेल वॉल में, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन में, क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन पाया जाता है। मतलब प्रोकैरियोट्स जो मेंबर हैं उनके अंदर प्रोटीन्स के चैनल पाए जाते हैं, उसे पोरिन बोलते हैं। पोरिन हमेशा बीटा सीट से पाए जाते हैं, एक्सेप्शन है, अपवाद है। जितने भी प्रोटीन्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्पेनिंग है वो सभी अल्फा हेलिक्स से बने होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन वाइज एक्सेप्शन के रूप में देखें तो पोरिन, मतलब पोरिन जो है वो बीटा सीट के रूप में पाया जाता है। कई बार एक्वापोरिन के बारे में पूछा जाता है, एक्वापोरिन हमेशा अल्फा हेलिक्स से ना कि बीटा सीट्स, कभी कंफ्यूज मत होना एक्वापोरिन और पोरिन के बीच में। एक्वापोरिन जो है अपनी मेमल्स में खास तौर से वाटर री एब्जॉर्प्शन के कारण की कमी को पूर्ति करने के लिए नेफ्रॉन में पाया जाता है। एक्वापोरिन किसकी कंसेंट्रेशन बढ़ाता है, किसके कारण से बढ़ता है, तो खास तौर से एंटीडोराटिक जो हार्मोन है वैसोप्रेसिन हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टरियर एंड से रिलीज होता है, वो क्या करता है एंटीडोराटिक हार्मोन, एंटीडोराटिक हार्मोन के कारण से जो एक्वापोरिन है मेम्ब्रेन में उनकी संख्या बढ़ाता है, जिसके कारण से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछा गया है कि एक सेल है ए क्यू हैज बीन म्यूटेटेड नॉट एक्सप्रेस एक्वापोरिन। इस सेल को म्यूटेशन करके एक ऐसी सेल बनाई गई है जिसमें एक्वापोरिन नहीं प्रेजेंट है, और पहली वाली एक ऐसी रह गई एक्वापोरिन प्रेजेंट है, मतलब दो प्रकार की सेल हो गई। एक तो ए क्यू मतलब एक्वापोरिन प्रेजेंट वाली सेल, एक है ए क्यू एम एक्वापोरिन प्रेजेंट नहीं वाली सेल, ठीक है। दोनों को आपने क्या किया, 30 मिनट के लिए वाटर के अंदर रख दिया, यहां पर वाटर में रख दिया दोनों सेल को। इसमें एक्वापोरिन का चैनल ही नहीं है तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा, लेकिन इसमें एक्वापोरिन के चैनल है तो यहां पर वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। और वाटर यदि एंटर करता जाएगा इसमें तो ये सेल धीरे 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 पानी से भर जाएगी और लास्ट में फट जाएगी। इसका मतलब इसमें ओवरऑल देखिए अपन ओनली ए क्यू वुड बी ब्रस्ट, मतलब ए वाली सेल है वो फट जाएगी। इसका यही इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं एक बार।
ये थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहता है, बैंड बाजे बजते रहते हैं किसी न किसी का, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने इसका राइट आंसर जो है वो आपको बता दिया है। इसका राइट आंसर होगा ये होगा डी वाला, कि जो एक्वा कोरिंग जिसमें चैनल होगा वो वाली सेल वाटर को रीअब्सॉर्ब करेगा और वाटर वो सेल जो कंटिन्यू एब्जॉर्प्शन करने के कारण से फट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 66 का। टू अचीव हायर रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोपी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द इमर्सन ऑयल यूज शुड बी। देखो कोई भी इमर्सन ऑयल वाला माइक्रोस्कोप हो या ग्लास में, दोनों ग्लास का इंडेक्स और ऑयल का इंडेक्स हमेशा सेम होता है। ये क्वेश्चन हमेशा याद रखना भैया आपको, किसी भी ग्लास का इंडेक्स रिफ्लेक्शन इंडेक्स और जो ऑयल का इंडेक्स है बोथ आर सेम, ठीक है। तो यहां पर इसमें देखो सेम एज ग्लास, ऑयल इमल्सन का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है वो कैसा होता है, ग्लास के सिमिलर होता है। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कहते हैं किसे है, कि किसी भी लाइट की वेवलेंथ को जब किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हो जाता है तो वो जो एंगल घूमता है उसके बीच में बनने वाला जो एंगल है, कि यहाँ से लाइट आई एक मीडियम से और यहाँ आके कुछ इस प्रकार से हो गई, तो इसके बीच में जो एंगल बनता है उसे अपन क्या बोलते हैं, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑयल इमल्सन, ऑयल और जो ग्लास है उसका सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 67 में देखो डोमिनेंस हायरार्की। कोई भी डोमिनेंस है मेल बिग हॉर्न सिप, मेल बिग हॉर्न जिसके ऊपर बड़ा सिंग पाया जाता हो, सिप इज सिग्नल फॉर सिग्नल्ड बाय, किसके द्वारा सिग्नल दिया जाता है कि वो डोमिनेंट है, तो वो डोमिनेंट हमेशा उसके हॉर्न के ऊपर है जिसके सिंग होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। तो ये सिग्नल उसका है, डोमिनेंसी का सिग्नल है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 68। इवोल्यूशनरी थ्योरी सजेस्ट दैट द प्रिंसिपल ऑफ द लाइफ आर केपेबल टू, लाइफ मतलब सर्वाइव करने के लिए सभी जिम्मेदार है, मतलब ऑर्गेनिज्म केपेबल है, जी सकते हैं इवोल्यूशन के साथ साथ में। एक्सटेंट ऑर्गेनिज्म, एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म जो एक्सटिंक्ट हो चुके, ठीक है ना, क्योंकि इवोल्यूशन के साथ साथ में जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है, मोर फिट होता है वो ज्यादा सर्वाइव कर सकता है, और जो मोर फिट चेंज नहीं कर पाता अपने आप में वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है। सेम अपने लाइफ में फंडा है, जो व्यक्ति जो स्टूडेंट बदलते टाइम के साथ अगर अपने आप को चेंज करता है, जितनी रफ्तार आज कॉम्पिटिशन की है उसी रफ्तार के अकॉर्डिंग आप अपने आप को मॉडिफाई करते हो तो आप इवोल्यूशन के साथ बढ़ रहे हो। अगर आप टाइम के साथ कदम के कदम मिलाकर नहीं चल रहे हो दैट मीन आप पीछे होते जा रहे हो। इसलिए समय की नजाकत यह कहती है आप बढ़ते हुए टाइम के साथ आप उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी कंपटीशन है। कंपटीशन बढ़ रही है आपकी मेहनत ज्यादा मांगती है, ठीक है ना। तो अगर आपको भी लाइफ में फिट रहना है तो आप ज्यादा से ज्यादा सर्वाइव करने के लिए मोर फिट बनिए, मतलब कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए, स्मार्ट स्टडी कीजिए, कंडीशन को भापिए कि इस एग्जाम का लेवल क्या है, इस एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लास्ट एक पेपर सॉल्व कीजिए ज्यादा से ज्यादा ताकि आपको आइडिया लगे। प्रोटेस्ट है सभी ऑर्गेनिज्म कैपेबल थे, ऑल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 69 में देखें जीन एक्सप्रेशन ऑफ ए फ्लावर कलर F1 जनरेशन ऑफ स्नैपड्रैगन इज रिलेटेड टू। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ना ही तो कोई डोमिनेट था और ना ही इनकम्प्लीट डोमिनेट था, और वाइट और जो रेड है उनका दोनों का फ्यूजन करवाया गया तो बनने वाली जो F1 प्रोजेनी थी कैसी थी, पिंक कलर की थी। तो पिंक कलर का जो एग्जाम्पल है वो कैसा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ना ही डोमिनेट है और ना ही रिसेसिव है, जिसका राइट आंसर आ जाएगा नो नाइदर डोमिनेंट और नॉर रिसेसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 70 नंबर का क्वेश्चन अपन देखते हैं। व्हेन ए फेज ट्रांसड्यूस ए स्पेसिफिक जीन, कोई भी बैक्टीरियोफेज है एक स्पेसिफिक जीन को एक बैक्टीरिया से लेकर दूसरे बैक्टीरिया में क्या करता है, ट्रांसफर करता है, एडजस्ट टू ए प्रोफेज, ठीक है ना, प्रोफेज। द मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर इज, ये मेथड जो है जीन ट्रांसफर करने का क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन ट्रांसडक्शन कहते हैं, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन का मतलब स्पेसिफिक जीन स्पेसिफिक बैक्टीरिया से स्पेसिफिक दूसरे बैक्टीरिया में जीन ट्रांसफर किया जाता है विद हेल्प ऑफ फेज। फेज का मतलब है ऐसे कोई भी वायरस जो खासतौर से बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हो, मतलब संक्रमण करते हो, उसे अपन क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसडक्शन। यहाँ पर देखो टू बैक्टीरिया स्पीसीज आर
कंसिडर सिमिलर प्रोवाइडेड दे, कोई भी दो स्पीसीज लगभग सिमिलर है तो उनमें क्या होना चाहिए, कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, तो 70% एंड अबव डीएनए टू डीएनए री एसोसिएशन, कि यदि दोनों बैक्टीरिया के डीएनए को एक जगह रखा जाए तो धीरे धीरे दोनों डीएनए जो एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए, अगर दोनों सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के साथ में री एसोसिएशन करते हैं, एक दूसरे से पेयरिंग करते हैं, इसका मतलब दोनों जीन कैसे लगभग सेम है। दूसरी डेल्टा टेम्परेचर मोर देन 5 डिग्री सेल्सियस एंड 97 डिग्री सेल्सियस एंड अबव आर आरएनए जीन सीक्वेंस होमोलॉजी, मतलब आरआर सीक्वेंस वो भी लगभग कैसी होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए, तो ही दो स्पीसीज है वो लगभग कैसी है, सिमिलर है। मैंने आपको पहले बताया कोई भी बैक्टीरियल की दो स्पीसीज को आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो, एक दूसरे के नियरेस्ट चेक करना चाहते हो कि दोनों कितने नजदीक है, तो उसकी 16S आरएनए की जो सिक्वेंसिंग है वो की जाती है। 16S आरएनए इज मोर कंजर्व सिक्वेंस, ठीक है ना, जो दो बैक्टीरिया के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 72, फिक्सेशन ऑफ CO2 बाय केल्विन साइकिल यूज, केल्विन साइकिल में CO2 फिक्सेशन के लिए क्या यूज में आता है, नो मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, थ्री कार्बन फिक्सेशन, ठीक है ना, ग्लिसरेल्डिहाइड, एक ग्लिसरेल्डिहाइड मॉलिक्यूल के फिक्सेशन के लिए नो एटीपी और छह मॉलिक्यूल ऑफ एनएडीपीएच, अगर एक ग्लूकोज का पूछ लिया जाए, छह कार्बन, एक ग्लूकोज या छह कार्बन मॉलिक्यूल के फिक्सेशन के लिए, तो यहां पर 18 तो एटीपी आ जाएगा और 12 एनएडीपीएच आ जाएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एक ग्लूकोज के फिक्सेशन के लिए केल्विन साइकिल में एनर्जी की आवश्यकता कितनी होती है, तो 18 तो एटीपी आ जाएगा और 12 एनएडीपीएच आ जाएगा। अगर आपको डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाए कि एक ग्लूकोज तीन कार्बन कुछ भी, केवल डायरेक्ट पूछा जाए कि केल्विन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए, तो डायरेक्टली आप दे दोगे आंसर इसका नौ मॉलिक्यूल एटीपी और छह मॉलिक्यूल एनएडीपीएच, इसका राइट आंसर होगा। 73 में देखिए अपन, ए मार्कर फॉर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये क्वेश्चन शायद मैंने पहले भी आपको काफी बता चुका हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर और एटीएस क्रेब साइकिल और एटीएस दोनों में इन्वॉल्व होने वाला एंजाइम कौन सा है, सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज से माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के अंदर धसा हुआ पाया जाता है, ठीक है ना, एक सभी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया की एक मार्कर जीन के रूप में या मार्कर एंजाइम के रूप में से जाना जाता है सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज, काफी एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन हमेशा लगभग रिपीट होता है हर एग्जाम में, ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज। 74 में देखें अपन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एमिनो एसिड, इनमें से कौन सा एमिनो एसिड का सेट है, हैव मोर प्रॉपर्टी टू अटैच विद ग्लाइकोफोरिन टू फोर कॉम्प्लेक्स ओलिगोसैकेराइड, मतलब ग्लाइकोसाइलेशन, कहने का मतलब सीधा सा है, कोई भी प्रोटीन है, किसी भी प्रोटीन के साथ में अगर कोई भी शुगर आके अटैच होता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन बोलते हैं। ग्लाइकोसाइलेशन दो प्रकार का होता है, एक ओ लिंक्ड और एन लिंक्ड, दोनों में कार्बोहाइड्रेट पढ़ा रखा है आपको, ओ लिंक्ड जिसमें तो यूज में आता है सीरीन और थ्रियोनिन, दो एमिनो एसिड होते हैं प्रोटीन के जिसमें कार्बोहाइड्रेट आके जुड़ता है, एक होता है एन लिंक्ड जिसमें खासतौर से एस्पार्जिन होता है, एस्पार्जिन का एमिनो ग्रुप होता है, एमिनो ग्रुप पे आगे जुड़ता है, इसलिए एन लिंक्ड बोलते हैं। इसमें एक एग्जांपल तो दिया है ओ लिंक्ड का और एक एग्जांपल दिया है एन लिंक्ड का, तो यहाँ पर देखो बी ऑप्शन देखो, सीरीन एंड एस्पार्जिन, सीरीन तो आ गया ओ लिंक्ड का, एस्पार्जिन आ गया एन लिंक्ड का, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। आज का अपन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 75, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट डज नॉट हैव सिंगल फैकल्टेटिव एंड एरोबिक और एरोबिक कंडीशन, मतलब इनमें कोई भी ऑप्शन नहीं हो, नॉट हैव कोई ऑप्शन इनमें नहीं पाया जाता हो कि वो फैकल्टेटिव, मतलब अगर एन एरोबिक है और उनको ऑक्सीजन मिल जाए तो ऑक्सीजन में भी रेस्पिरेशन करने लगे, इसका मतलब एन एरोबिक है, तो ये इनके पास में जैसे एक तो अपन बात करें बैक्टीरियोइड एन एरोबिक है, ठीक है, क्लस्ट्रोडियम एनारोबिक है और मेथनो बैक्टीरियम ये भी एनारोबिक है, इनमें कोई भी फैकल्टेटिव कंडीशन नहीं, इनमें कोई भी ऑप्शन नहीं होता, अगर एनारोबिक नहीं है ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में सर्वाइव नहीं कर सकते ये, ठीक है ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये लॉग सर्वाइव नहीं कर सकते, खासतौर से कौन से बैक्टीरिया, बैक्टीरियोइड कहाँ पाया जाता है, बैक्टीरियोइड का मतलब है विदाउट सेल वॉल वाले बैक्टीरिया, खासतौर से लेग्यूम्स जो प्लांट है नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उनमें, खासतौर से जो कॉर्टेक्स सेल्स है, कॉर्टेक्स सेल्स में बैक्टीरिया अपने साइज को बढ़ा लेते हैं, सेल वॉल रिमूव कर देते हैं, उस साइज को, उस बैक्टीरिया के साइज जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती हो और नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में सक्षम हो, नाइट्रोजिनेज एंजाइम प्रेजेंट हो,
उस बैक्टीरियल सेल को क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोइड बोलते हैं। बैक्टीरियोइड जो है वो हमेशा पेनिसिलिन और लाइसोजाइम जो एंजाइम उनके प्रति रेजिस्टेंट होते हैं, क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, साइज लार्ज होती है, ऑक्सीजन के प्रति सेंसिटिव होते हैं, इसीलिए इसमें लैग हीमोग्लोबिन पाई जाती है जो इसकी ऑक्सीजन को प्रोटेक्ट, ऑक्सीजन को तो बाइंड कर लेती है और इसकी प्रोटेक्शन करती है। ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर होगा। आज का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लगभग 25 क्वेश्चन है, मैंने आज करवा दिया है, टाइम भी काफी लेट हो गई है। ठीक है ना, तो आज उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा, ज्यादा से ज्यादा उन्हें शेयर कीजिए बच्चों को, और ज्यादा ज्यादा अपना रेस्पॉन्स दीजिए, ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए पढ़ने को। ठीक है ना, मैं आपको लास्ट टाइम भी कह चुका हूँ, अगर ये 30 मिनट आपको ज्यादा लगती है तो जब एग्जाम में बैठोगे तब आपको ये याद आएगी चीजें। ठीक है ना, इसका मतलब ये है आप 30 मिनट अपने पूरे दिन में से 30 मिनट निकाल कर अगर ये वीडियो देखते हैं तो आप जब एग्जाम में बैठोगे तो हर चीज में बता रहा हूँ साथ साथ, तो आपको कहीं ना कहीं यूजफुल होंगे और उम्मीद करता हूँ आपके सिलेक्शन में काफी हेल्प करें। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास जो है अपनी कंप्लीट होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।